देखो ये हमारे नेम सिंह भैया, ये हमारे मुंह वाले मामा हैं और इनको कोरोना से सबसे ज़्यादा डर है। ये देखो ये हमेशा मास्क लगाए रहते हैं और सैनिटाइजर से बार बार जाके सैनिटाइजर दिन में 10 बार हाथ धोते रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा डर है। अच्छी बात है, ये सेफ रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और कल रात हुआ ऐसा कि वो वैक्सीन की वजह से पूरी बॉडी दर्द करने लगी, फीवर आने लगी, तो पैरासीटामोल खाकर मैं तो जल्दी सो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज नींद थोड़ी सी लेट खुली है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस पूरी बॉडी का हर जॉइंट दर्द कर रहा था रात में। और ज़्यादा फीवर तो नहीं, पर हल्का हल्का फीवर आ रहा था, पर दिक्कत फीवर की नहीं थी, दिक्कत थी बॉडी पेन की। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और आज सुबह उठ के देख रहा हूँ तब लगभग लगभग 90% तक प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मतलब ना दर्द हो रहा, ना फीवर लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट फिट, पूरा का पूरा फिट ही हूँ समझो। बस हाँ, अभी हाथ में जो दर्द था वो अभी भी हो रहा है, और उसकी वजह से और थोड़ा थोड़ा पैरों में भी दर्द बाकी है, लेकिन बाकी जितना कल रात को हो रहा था उससे तो अभी ऑलमोस्ट 90-80% दर्द खत्म हो चुका है। और कल रात को अपनी वीडियो एडिट करते वक्त एक चीज़ जो मुझे बहुत खटक रही थी, इसका मैंने दिन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये हमारी टेबल कितनी गंदी लग रही है, कितनी मेस्ड अप पड़ी है। सामान तो सारा काम का ही है, पर सारा सामान ऐसे गिरा पड़ा पड़ा है तो इतनी ख़राब लगती है देखने पर। ये इसका मैंने कल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो कल वीडियो एडिट करते वक्त मुझे बहुत ही ख़राब लग रही थी। मैं वो पार्ट काटने की सोच रहा था, तो मैंने फिर भी डाल दिया ऐसे तैसे। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है उठते ही, और अब मैं इसके लूँगा तो थोड़े साफ से सुथरे से शॉट आएंगे। आप बताना ज़रा कि कहाँ कल से साफ़ है नहीं है। और आज वैसे ही मैं 15-20 मिनट लेट उठ पाया हूँ, तो मुश्किल ही है कि आज मैं अपने काम पे कोई वीडियो बना पाऊँ या फिर कुछ शॉट ले पाऊँ। पर हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि छोटा मोटा कुछ भी 15-20 मिनट रुक के कहीं ले लूँ, बस कंप्लेंट ना आ जाए, इस बात का डर है। कंप्लेंट ना आ गए तो ये कंप्लेंट बहुत भारी पड़ती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लेंट ना आए और ये काम भी हो जाए। तो अब मैं हो चुका हूँ पूरी तरह तैयार, और मैंने अपना सारा सामान ले लिया है, और यहाँ लग गई है मुझे खुद की नज़र, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला कि मेरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसी के साथ जब मैं ब्रश करने के लिए उठा तुरंत ही वापस सारी दिक्कत शुरू हो गई। तो अभी थोड़ा नाश्ता करके पैरासीटामोल ले करके और फिर निकला हूँ काम पे। देखता हूँ, होप कि ये ज़्यादा दिक्कत ना बढ़े और सारा काम ठीक से हो जाए। तो चलिए फटाफट निकलता हूँ और आपको काम की कोशिश तो करूँगा, आज पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़े बहुत शॉट दिखा दूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:14 और मेरा आधा काम हो चुका है, और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं चला फिरा नहीं जा रहा। तो मैं थोड़ी देर यहाँ के बाइक पर बैठ गया हूँ, देखता हूँ आगे, अगर 10-15 मिनट बैठ के बैठे देखता हूँ, अगर हालत ठीक होती है तो आगे जाऊँगा, वरना जाना तो पड़ेगा, ख़त्म तो करना पड़ेगा। आधा हो चुका है जैसे तैसे, बस आधा बाकी है, कर दूँगा मैं। तो गाइस, सुमित आ गया, मैं इसे बोलता रहा, इसने तो बना के दी नहीं, पर मम्मी आज मेरी हालत देख के दुकान से जल्दी आ गए, बंद करके दुकान, तो उन्होंने आके मुझे हल्दी वाला दूध दिया है, अब ये पीऊँगा। उसको थोड़े चने मैं खा लिया, खाते खाते मुझे याद आया कि थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। तो चलो इसे खा के मैं दवाई खाऊँगा, उसके बाद आराम करूँगा, और हालत थोड़ी ठीक हुई तो मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने अपना काम तो ख़त्म कर दिया आज का, और मैं वापस आ करके कुछ भी नहीं कर पाया था, किसी हालत में नहीं था। मैं आगे बस चुपचाप लेट गया था, आगे मैंने वो दूध पिया, चने खाए, उसके बाद दवाई खा के बस मैं लेट गया था, सो गया था, और अब सो के उठाऊँ, और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, तो अब जाके नींद खुली है मेरी। तो अब मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, और मैंने आपको अभी तक किसी से मिलवाया नहीं, तो चलो मैं पहले ही मिलवाता हूँ अपने भाई से, सुमित से। ये देखो, ये है मेरा छोटा भाई, क्या कर रहा है, ये रील बनाता रहता है दिन भर, यहाँ बैठे बैठे बस अपने शायरी मारता रहता है, कुछ चलती है नहीं। एक शायरी सुना दे चल सुमित, सुमित एक शायरी सुना दे चल। चलो जब तक ये सोच रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इसने एक काला पर्दा लगा रखा है, यहीं इसके पीछे खड़े होकर के ये बनाता रहता है वीडियो, इधर एक काला पर्दा, इधर एक ये सफ़ेद सा कपड़ा, और यहाँ ये हम सबके कपड़े टंगे हैं, ये मेरे पापा और सुमित के हम तीनों कपड़े हैं। अलमारी है पर इसमें रखे कौन, चलो मेरी खुद की है। तो हाँ, अभी रीलर सुमित मिश्रा ने शायरी सोच ली है, अभी शायरी सुनाएंगे, सुनाओ सर। मेरा टैलेंट देख के लोग बोले वाओ, वाओ। मेरा टैलेंट देख के लोग बोले वाओ वाओ। भाई ये बना कर रहा, हमें भी तो बताओ। ये मैं बना रहा हूँ ब्लॉग, यूट्यूब पे डालूंगा। हा, शायरी फेल। अच्छा सुमित, ये बताओ, जब हमारे पास अलमारी है तभी कपड़े हम यहाँ क्यों रखते हैं?
अलमारी में क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें जल्दी पहनने होते हैं, कहीं जाना होता है। आलस सबसे बड़ा रीजन है, आलस। आलस की वजह से कोई भी उस अलमारी के अंदर कपड़े नहीं रखते, जगह तो बहुत है पर भारी पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे मुझे लग रहा है जैसे वीडियो बनाता रहूँगा ये चीज़ें बैकग्राउंड में आती रहेंगी, धीरे धीरे मुझे साफ़ करनी पड़ेंगी। जैसे कल वो टेबल वाला इंसिडेंट हुआ, मैंने कल आज सुबह ही उठते ही सबसे पहले ये टेबल साफ़ की। ये देखो गाइस, मैंने आज सुबह टेबल साफ़ की थी। ये देखो मैंने ये सब कुछ सेट करके लगाया था। अरे यार, ये फ्रंट कैमरे से दिखाते कैसे हैं, बैक कैमरे से देखो आप लोग। मैंने सुबह ही ये देखिए सब कुछ लगभग सेट करके रख दिया था, पर ये और ये जामुन ये सब अभी आया है। ये सब देखो, अगर हटा दोगे तो टेबल लगभग मैंने साफ़ कर दी थी। कल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो टेबल पूरी साफ़ है। ये शादी के कार्ड और मैगी हटाओगे तो देखो, ये सुबह सुबह ही मैंने आज साफ़ की थी, पर रहता ही नहीं है सामान यहाँ पर साफ़। के सब आलसी हैं, अभी तो मैंने अपनी मम्मी से नहीं मिला। मम्मी किसकी आलसी होती है, हमारी मम्मी भी आलसी हैं। हाँ, आलसी नहीं कह सकते, वो दुकान का काम करती हैं, वहाँ बिजी रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा हाथ नहीं बटाती। पर हाँ, अभी मैंने आपको अपनी दोनों बहनों से नहीं मिला, वो भी यहाँ है नहीं। जो हमारा घर बना है थोड़ा दूर है, वो भी यहाँ से, हमारा सारा आना जाना यहाँ से होता है, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। पर हमारी जो दोनों बहनें हैं वो हमारे घर में रहती हैं अलग, तो अभी उनसे मिल पाऊँगा। या तो कल वैक्सीन लगी थी इसलिए मैं जा नहीं पाया, आज मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊँगा। अब या तो कल मैं उधर जाऊँगा या वो दोनों इधर आएंगे तो मैं आपसे मिलवाऊँगा। ये इतना ही छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, धीरे धीरे आप लोग सब जान जाओगे। मेरी याद में मैं कटोरा ले आया, भीख मांगने को मुझे कोई पैसा देने नहीं आया। ऐसी रील बनाता है ये, ऐसी बनाता है इसलिए नहीं चलती। मैं कह रहा हूँ उसकी, बस ये हम लोगों से 4-5 लोगों से लाइक करवा लेता है, ऐसी रील बनाएगा तो कौन देखेगा। अरे हम इसके भाई होके हमसे नहीं देखी जाती। और यार ये बड़े लोगों के फ़ोन में होता है, वो वीडियो बनाते बनाते आगे पीछे कर देते, मेरे फ़ोन में क्यों नहीं हो रहा है सर? मैं आगे पीछे नहीं कर पा रहा, मुझे बार बार वीडियो काटनी पड़ रही है। ये सब मैं एक टेक में ले लेता लेकिन मुझे बार बार काटनी पड़ रही है ना, ये एक बार में बैक फ्रंट से फ्रंट कैमरे में आता है ना, फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे में जाता है, आधी आधी बात हो पा रही है, फिर फ्लो टूट जाता है, ऐसा मज़ा नहीं आता यार। कोई बताओ यार, ऐसे कैसे होता है, किसके होता है, कैसे फ़ोन में होता है, मतलब कैसे लाते हैं वो सेटिंग, किसी को पता हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और हाँ, फ़ोन कर देना से याद है, मुझे कल मेरे भाई ने बताया कि मैंने वो फ्लिप सेल्फी ऑन नहीं किया था कैमरे से, तो सारी मिरर इमेज आ रही थी, तभी मैंने वो सेटिंग चेंज की है। तो आप बताना कि अभी थोड़ा इम्प्रूव लग रहा है या फिर वो मिरर वाला ही ठीक था। ठीक है, चलिए। ये है माता जी, मम्मी हेलो कर दो। हेलो गाइस, मम्मी बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस, तेज बोलो थोड़ा सा, आवाज़ नहीं आएगी, माइक है नहीं मेरे पास। देखो, ये हमारे नेम सिंह भैया, ये हमारे मुंह बोले मामा हैं, और इनको कोरोना से सबसे ज़्यादा डर है। मतलब इतना डर दुनिया में किसी को नहीं होगा। अभी जब मम्मी की वीडियो लेने आया तो मैंने देखा कि पीछे मास्क लगा के पड़े हैं, तो मैंने सोचा इनको भी दिखा दूँ। ये देखो, ये हमेशा मास्क लगाए रहते हैं और सैनिटाइजर से बार बार जाके सैनिटाइजर से दिन में 10 बार हाथ धोते रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा डर है, अच्छी बात है, ये सेफ रहना चाहिए। ये देखो, अभी मैं अंदर जा रहा था और मुझे दिख गया ये रीलर सुमित। मैं क्या सोच रहा हूँ, देख अपना घर पूरा गंदा पड़ा है चारों तरफ से, अरे बैकग्राउंड सब कुछ आता बेकार लगता है, चल तो सफाई करें, नहीं तो हेल्प करवा दे मेरी। मम्मी बोल दो इसे थोड़ी हेल्प कर दे, ये बस ये टेबल और ये साफ कर दे और ये कपड़े हटा दे, बाकी सब मैं कर लूँगा। अरे सुन ही नहीं रहा भाई, करवा दे थोड़ा। लो तो मम्मी, खराब भी तुमने ही करा, सुबह कर चुका था मैं, सफाई सुबह मैंने की थी, तुमने तो करी भी नहीं थी। रहने दो, मैंने करी थी, ठीक है, ये सेंटर साइड में लगा देने से थोड़ी सफाई हो जाती है। भाई साहब मैंने की थी, आपने नहीं की थी, झूठ बोलना गलत बात है, नदी किनारे साफ है। इसको पता नहीं है कि बाद में ये वीडियो एडिट मैं ही करूँगा, तो मैं ये कट कर सकता हूँ बड़े आराम से, लेकिन नहीं। हाँ, इसने मतलब मैं कर रहा था तो उसने कर दी थी, ज़्यादातर सफाई इसने कर दी थी, ठीक है। और पीछे जो 3 थैले टंगे वो हटा दे, वो मेरा बैग वेंचर का मैंने कॉलेज के लिए लिया था जब लॉकडाउन लगने से थोड़ा पहले, वो बस बैग वेंचर वाला थैला, बस वो 2-4 दिन गया होगा कॉलेज और मेरी कॉलेज लाइफ ही ख़त्म हो गई। कोई नहीं गाइस, होता है ऐसा, बहुतों के साथ हुआ होगा ऐसा, अब ये एक निशाने के तौर पर रहेगा मेरे साथ कि मैंने कॉलेज के लिए एक बैग वेंचर का ये छोटा सा बैग लिया था। देखा होगा आप लोगों ने बेवकूफ़ की ऐड आती रहती है यूट्यूब पर, अगर चलाओ तो उसमें दिख जाता, तो वहीं से लिया था ये बेवकूफ़ से। तो बस हाँ लिया है, अभी ऐसे रखा है, इसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, ये 2.5 साल का हो गया है।
ये बैग करीब करीब हाँ 2.5 साल का, 2-2.5 साल का होने वाला होगा, और ये 4 से 5 दिन ही स्कूल कह रहा हूँ कॉलेज, ये 4 से 5 दिन ही कॉलेज गया होगा बस। हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुंदी, उसका मतलब ये हुंदा कि इन्हें तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, और आज हुआ ऐसा कि वो दोपहर में ब्लॉक करने के बाद, उसके बाद पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो रही थी वो वैक्सीन की वजह से, कि फिर मैं सो गया, और अब मैं सो गया तो उठाऊँ 3 बजे, फिर मैं 3 बजे उठने के बाद फिर मैच देखने लगा, और मुझे याद ही नहीं रहा कि आज मैंने खाना नहीं खाया। तो सुबह का खाना अब खाने जा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ ये सुमित और मम्मी ने शायद दोपहर में सुबह सुबह थोड़ा बहुत खा लिया था, चावल थे वो खा लिए थे पहले ही, लेकिन मैं अब सुबह से जा करके अब खाना खा रहा हूँ। मेरा आज पूरा व्रत हो गया, व्रत टाइप का हो गया, और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी पता नहीं क्यों, पर हाँ चलो अब खाना खा रहे हैं। तो ये आ गया अपना खाना, और सुमित ने शुरू भी कर दिया, तो अभी ख़त्म करते हैं इसको, और आज वैसे ही ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो इस खाने को ख़त्म करते हैं और अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आ जाओ मम्मी खा लो। तो चलो गाइस अभी हम अपना खाना खाते हैं, और आज वैसे भी मैच है, इसके बाद तो मैं पूरे दिन मैच देखूंगा, तो शायद ब्लॉग ना बना पाऊँ। और अभी तक जितना मैंने देखा इंडिया अच्छा कर रही है, जब मैंने देखा था तो 50-53 पर 0 नॉट आउट थी, कोई भी ओपनर अभी आउट नहीं हुआ है, तो हाँ इंडिया अच्छा कर रही है, होप जीत जाए। तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट जरूर कर देना, मुझे बता देना जेन्युइनली कि क्या क्या चीज़ें खराब लग रही हैं, क्या क्या चीज़ दिक्कत दे रही हैं, या फिर कोई सजेशन मिले तो ज़रूर कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में।